बागली अनुभाग के अंतर्गत आने वाले गांव लिंबोदा में पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से बनाई जा रही सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है, जिसका ग्रामीण विरोध दर्ज करा रहे हैं। लिंबोदा में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य गुणवत्ता से नहीं होने पर ग्रामीणों ने शिकायत की। लिंबोदा के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश नायक ने बताया कि 69 लाख की लागत से रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रहा है। अधिकारी व ठेकेदार की साठगांठ के चलते सड़क का घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण के दौरान बालू रेत की जगह डस्ट मिलाई जा रही है, तो वहीं सीमेंट की मात्रा कम है। ऐसे में यह मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। वहीं मार्ग का बेस भी कमजोर बनाया गया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कौन सा गांव है? लिंबोदा। भैया, यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, आप लोगों ने इसका विरोध किया, क्या है पूरा मामला बताएं? मौके पे अधिकारी आए थे। पीडब्ल्यूडी से 69 लाख का रोड है, ठेकेदार की मनमानी से जो नीचे का बेस है सिर्फ गिट्टी डाल दिया नीचे के बेस में, और ऊपर के बेस में बालू रेत की बजाय डस्ट मिलाकर बना रहे, जो कि 6 महीने के अंदर उखड़ जाएगा। इसलिए इंजीनियर को शिकायत करी और आए मौके पे, और ऊपर वाले बड़े इंजीनियर वो आके बता रहे क्या होगा। तो ये मौके पे अधिकारी आए, इन्होंने क्या निर्देश दिया? हाँ, घटिया कर रहे, हल्का माल कर रहे। ठेकेदार को इस संबंध में कोई निर्देश दिए? अब बताया, बोले अच्छा करो, सुधार करो। और हमारी मांग है गांव वाले की कि इसमें बालू रेत मिला है ऊपर के बेस में। आपका नाम बताएं? ओम प्रकाश पाटीदार। राघवेंद्र सिंह है मेरा नाम। सर, लिंबोधाम में निर्माण कार्य चल रहा है, ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई, क्या है पूरा मामला? जी, आके चेक करा है, जो भी त्रुटि पाई गई है उच्च अधिकारी को निर्देश करके, ठेकेदार को निर्देश करके काम में सुधार कर बोल दिया गया है, उच्च अधिकारी को भी सूचित कर दिया गया है। सर, ये कौन से विभाग से बन रहा है? ये लोक निर्माण विभाग से बन रहा है। सर, आपका नाम? राघवेंद्र सिंह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।